कर्मचारियों को एरिया आदि न मिलने पर कई कॉलेज के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर पहुँचे। इस अवसर पर मांग की गई कि अगर उनका एरिया आदि भुगतान समय से नहीं किया जाता है तो वह लोग हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही कर्मचारियों ने मांग की कॉलेज में जो पद रिक्त है उस पर कर्मचारियों का प्रमोशन किया जाए। इस अवसर पर संगठन के महामंत्री विजेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष सुरेश कश्यप, संजय सिंह, जीवनलाल दयाराम, जितेंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी राजेश प्रकाश को ज्ञापन। योगी आदित्यनाथ जी ने एक आदेश भी किया है कि किसी भी अधिकारी को अपने पास 3 दिन के से ज्यादा किसी फाइल को रोकने का नहीं है, उसका निस्तारण 3 दिन के अंदर अंदर करना है। लेकिन आज 22 दिसंबर 2017 का शासनादेश इस एरियल का 7वें वेतन का जारी हो चुका है। आज एक ज्ञापन श्रीमान क्षेत्र शिक्षा अधिकारी महोदय परिषद बरेली को दिया जा रहा है। विषय है दिनांक 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक पुनरक्षित वेतनमान मैट्रिक में वेतन तथा महंगाई भत्ते के एरियर के भुगतान के संबंध में। महोदय आज 27 जून 2016 कर्मचारी संघ समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय बरेली की एक बैठक बरेली में सम्पन्न हुई, जिसमें समस्त महाविद्यालयों से संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया तथा एरियर के भुगतान न किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। सभी की सहमति ने यह प्रस्ताव पास हुआ कि एक मांग पत्र ज्ञापन श्रीमान क्षेत्रीय और शिक्षा अधिकारी परिषद बरेली को दिया जाए। उपरोक्त विषय के संबंध में संघ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए ये कहना है कि अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों का 7वें वेतनमान के एरियर का शासनादेश संख्या 24/2017/11/49-10-04/M-2016 दिनांक 22 दिसंबर 2017 द्वारा ये व्यवस्था की गई कि 50% अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा 50% अंश का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाए। ये शासनादेश सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया, लेकिन आज दिनांक 27/9/2019 तक कर्मचारियों को एरियर का दोनों किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि संघ ने दिनांक 10/12/2018 को द्वारा प्राचार्य हिंदू काली मुरादाबाद के माध्यम से एक एरियर के संबंध में मांग पत्र संघ ने श्रीमान वित्त अधिकारी उच्च शिक्षा प्रयागराज द्वारा प्राचार्य हिंदू काली मुरादाबाद 7/3/2019 को संघ ने मांग पत्र वित्त नियंत्रक उच्च शिक्षा प्रयागराज के संघ से दिनांक 24/6/2019 को भी मांग की। इसके उपरांत संघ ने श्रीमान प्रमुख सचिव वित्त अनुभाग को उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से दिनांक 7/11/2019 को पुनः मांग की। इसके उपरांत भी कर्मचारियों की इस मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि किसी भी फाइल को अधिकारी 3 दिन से अधिक नहीं रोकेंगे और उसका निस्तारण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश व शासनादेशों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। संघ आपसे अनुरोध करता है कि कर्मचारियों के 7वें वेतन के एरियर का भुगतान माह अक्टूबर दीपावली से पूर्व भुगतान कराने की। नाम है आपका? विजेंद्र पाल सिंह। विजेंद्र पाल सिंह, जानने जाएंगे क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी कहाँ आएंगे, क्या मामला है, किस संबंध में आएंगे आप लोग? आज हम एक मांग पत्र ज्ञापन देने हैं माननीय शिक्षा क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी बरेली को एक मांग पत्र देने के लिए आए हैं, जो कि कर्मचारियों के 7वें वेतन का एरियर और पदोन्नति काफी समय से नहीं की जा रही है, जिससे कर्मचारियों का बहुत उत्पीड़न हो रहा है। क्योंकि इस सरकार में सबसे पहले ये शासनादेश जारी किया गया था कि एक फाइल किसी भी अधिकारी के पास 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोकी जाएगी और 3 दिन के अंदर उसका निस्तारण करके आगे को बढ़ानी होगी। लेकिन ये कर्मचारियों के साथ में बड़ा भेदभाव किया जा रहा, कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा, कर्मचारियों की समस्याओं का निदान नहीं किया जा रहा। इससे ये महसूस होता है कि ये सरकार और अधिकारी कर्मचारियों का उत्पीड़न करने पर लगे हुए हैं। हमारी ये मांग है कि अगर दीपावली से पूर्व 7वें वेतनमान का एरियर का भुगतान अगर नहीं किया जाता है तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। की जा रही है, ये बहुत ही रोष का विषय है। संघ आपसे अनुरोध करता है कि समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्य प्रबंधक महोदय को निर्देशित कर पदोन्नत कराने के आदेश प्रदान करें, जिसकी एक प्रति संघ को भी उपलब्ध कराई जाए। संघ आप